गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें मैं आपको एक और पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। इसमें क्या है, आपको पता लगेगा कि कैसे आपको कभी भी आपसे अगर पूछा गया हाउ वाज योर वीकेंड, तो आप क्या बता सकते हो, तो आप बता सकते हो। ये एक स्टोरी, एक तरीके से ये किसी का एक्सप्लेनेशन है जिन्होंने दिया होगा, क्यों दिया था, क्या दिया था, कैसे दिया था, ये हम पता लगाएंगे। दूसरी बात, आपका एक्सपीरियंस पूछा गया है जो कि हमेशा पास्ट टेंस में होगा, तो हमेशा जब भी आप किसी भी एक्सपीरियंस को बताओगे वो ग्रेजुअली आपके पास्ट टेंस में ही आप लिखोगे। तो जितने भी वर्ड्स यूज़ होंगे वो इज़ या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के नहीं होंगे, वो हमेशा पास्ट टेंस के होंगे। रिमेंबर दिस ऑलवेज, ओके। सो फर्स्ट लाइन है, उनसे अगर पूछा गया होगा कि हाउ वॉज अ वीकेंड, तो उन्होंने बोला होगा आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग वीकेंड, मेरा जो वीकेंड था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ऑन सैटरडे आई वोक अप इन द मॉर्निंग, तो उन्होंने ये बताया कि सैटरडे को जब वो उठे थे एंड हैड ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, तब उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था अपनी फैमिली के साथ। इट वॉज माई फादर्स बर्थडे, तो वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी का बर्थडे था। सो वी प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील फॉर हिम, तो इस आप ये देख सकते हो कि उनका बर्थडे था इसलिए बहुत अच्छा स्पेशल मील बना था, घर में अच्छा खाना बना था, उनका फेवरेट बना हो शायद। आफ्टर दैट, उसके बाद वी वेंट टू द क्लब, हम लोग क्लब गए एंड प्लेड डॉज बॉल ऑल डे, तो उन्होंने क्या खेला, उन्होंने दिन भर डॉज बॉल खेला। वी हैड लंच एट द क्लब, उन लोगों ने लंच भी क्लब में ही किया। एट नाइट वी वेंट टू द रेस्टोरेंट वेयर द वेटर सैंग हैप्पी बर्थडे टू हिम, तो रात को वो लोग कहाँ गए, रेस्टोरेंट में जहाँ पे उन लोगों ने बताया होगा कि उनके फादर का बर्थडे है, तो बट ऑब्वियसली उन लोगों ने जो वहाँ पे वेटर थे उन्होंने हैप्पी बर्थडे गाना गाया। ही वॉज सो एम्बेरस्ड, मतलब थोड़ा वो शाय फील कर रहे होंगे, तो फिर थोड़ा सा एम्बेरस हो गए। एम्बेरस वर्ड का मतलब होता है थोड़ा झिझक जाना, सैड हो जाना, लेकिन हाँ सब लोग गा रहे थे तो सामने उनको ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, इस वजह से वो ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गए होंगे। ठीक, ऑन संडे वी ट्रैवल टू आ कंट्री हाउस वे ऑल द फैमिली गॉट टुगेदर, तो ये बता रहे संडे को ये लोग कंट्री हाउस, जो कि एक आउटस्कर्ट्स में सिटी के जो किनारा होता है उसकी तरफ, जो कभी कोई घर बना लेते हैं जैसे फार्म हाउस होता है आपका, वैसे ही कंट्री हाउस होता है, जहाँ पे सारी फैमिली एक साथ एकत्रित हुई, गेट टुगेदर हुआ वहाँ पे उन लोगों का। तो देखिए, द फैमिली गॉट टुगेदर, वी हैड अ कुक आउट, सब ने क्या किया, बाहर खाना बना, मे बी ग्रिल्स या फिर बारबेक्यू में बना होगा। माय अंकल प्लेड द गिटार, उनके जो अंकल थे उन्होंने गिटार प्ले किया एंड वी ऑल सैंग टुगेदर, और सब ने गाना गाया एक साथ। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। तो आप देख सकते हैं जो पिंक कलर से वर्ड्स हैं वो मोस्टली वर्ब है, वर्ब कैसे है, पास्ट टेंस में। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि जब भी आप किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, हमेशा जो कि पास्ट में हो चुका है, उसके लिए हमेशा जो वर्ब्स हैं वो हमेशा पास्ट में होनी चाहिए। तो जब भी किसी ने आपका एक्सपीरियंस पूछा तो आपको ऐसे ही बोलना है। मुझे आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी वेरी मच।